नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। विधान परिषद प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को किसानों का सच्चा हितैषी बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के हित में काम करने वाला चौधरी चरण सिंह जैसा नेता भी करार दिया। बड़ी बात यह है कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो लेकर आई है, जिसका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। बड़ी बात यह है कि किसानों को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन हासिल है। दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जैसा किसान हितैषी नेता बता रही है। दोनों ही बातों में तालमेल बैठाना मुश्किल हो जा रहा है, और ऐसे में आखिरकार जो किसान हैं वो किसकी तरफ उनका झुकाव है। आरएलडी किसानों के लिए जो हमेशा से खड़ी रही शुरुआती दौर से चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें, आज पुण्यतिथि है उनकी, तो वो हिंदी बेल्ट के एक छत्र नेता किसानों के माने जाते रहे, और ऐसे में अब उनकी तुलना अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है तो ये कितना सही है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जयंत चौधरी, क्योंकि अब उनके हाथ में कमान है, उत्तराधिकारी वो बन गए हैं, और वो जिस परिवार से आते हैं उसकी शुरुआत चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये भी कह रही है कि वो किसानों के नेता थे, बड़े नेता थे, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे तुलना भी की जा रही है। तो ऐसे में ये तुलना करना या फिर हितैषी बताते हुए अपने हितों को साधना, क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगातार दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उस पर किसान डटे हुए हैं, बने हुए हैं, और वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो कृषि कानून 3 लेकर आए गए हैं उनको लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे में आज जब चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है, उनका जिक्र हो रहा है, किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता के तौर पर हर कोई उनको जानता है, और जो मौजूदा सरकार है वो भी मानती है कि वो किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता रहे हैं, लेकिन मौजूदा काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी तुलना करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतना ही हितैषी किसान नेता बताना कितना जायज है, कितना सही है। और किसान जब नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री से, तब इस बात का जिक्र करना कितना सही हो जाता है किसानों के लिए, या फिर हम बात करें आरएलडी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए, जिसकी मियाद चौधरी चरण सिंह की तरफ से रखी गई और उसके बाद आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। धीरे धीरे करके उनकी जो विरासत थी वो चौधरी अजीत सिंह ने ली, कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद उत्तराधिकारी के तौर पर जयंत चौधरी उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पद पर बैठे हैं, कितना आगे लेकर जा पाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चुनाव भी होने हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऐसे में राजनीतिक तौर पर जो हंगामा मचा हुआ है उस बीच किसानों का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण तौर पर किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है और कहा है कि चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े किसान हितैषी नेता रहे हैं, और उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों के हितैषी नेता हैं। इस बात को लेकर जब इस बात का जिक्र किया जा रहा है तो अपने हितों को साधने की भी कोशिश की जा रही है चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के सहारे। तो जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी नेता हैं, 6,000 रुपए सम्मान निधि के तौर पर देने की बात हो, उस योजना की बात हो, या फिर धीरे धीरे करके जो कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, जो एमएसपी है उसको लेकर भी जिक्र लगातार किया जाता रहा है, और ये जो 3 कानून लेकर आए गए हैं किसानों के लिए, और ये जो किसानों के हित में जो कानून लेकर आए गए हैं, हालांकि सरकार इसे हित में बताती है, लेकिन जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मान नहीं रहे हैं और अपने तर्क रख रहे हैं, और
आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुरेंद्र त्रिवेदी हमारे साथ आरएलडी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद। टीवी पर। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा चौधरी चरण सिंह जी को, और उसके बाद इस बात पर आता हूं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया है कि जिस तरह से चौधरी साहब किसानों के एक छत्र नेता रहे, उनकी बात उनकी तकलीफ को समझते रहे, बड़े बड़े मंच पर उठाते रहे उनकी बातों को, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और हितैषी नेता हैं, ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? मुझे जवाब देना है जी। देखिए, सीएम योगी क्या बोलते हैं और नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, इन दोनों से दूर दूर तक किसानी का कोई लेना देना नहीं है। ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार में कोई किसानी होती है और ना ही नरेंद्र मोदी के घर में कोई किसानी होती है। वो स्वयं कह चुके हैं, वो चाय बेचते थे। तो किसानों से इनका कोई लेना देना है? इन्होंने क्या किया है सुन लीजिए। नोटबंदी के टाइम में किसान की बुआई चल रही थी, खेतों में बीज के लिए वो लाइन में खड़े होकर के सैकड़ों किसान मर गए, उन्हें पैसा नहीं मिला, बुआई नहीं हो पाई। यूरिया खाद जो 50 किलो की बोरी थी, 5 किलो घटा दिया, उसमें 45 किलो कर दिया, रुपया बढ़ा दिया। और 6000 रुपया जो देने की बात कर रहे हैं, तो 6000 रुपया आप दे रहे हो और उसकी जगह बिजली के बिल आपने बढ़ाया, डीजल आपने बढ़ाया, और जो किसानों के ट्यूबवेल की बिजली के रेट थे वो आपने बढ़ाया, हर चीज की महंगाई आपने बढ़ाई 6000 रुपए दे करके, और 18000 रुपए आप उनसे ले रहे हो। तो ये सब कौन सी नीतियां हैं? मैं तो सिर्फ एक नीति का जवाब हमको कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई भी दे दे कि इकलौते किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने किसान बही देकर किसानों को खेती का मालिकाना हक दिया और आजीवन किसानों की सेवा करते रहे। क्या कोई दूसरा नेता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में? अरे, गाल बजाने से कुछ नहीं होता, ये सेवा का भाव है। और कहते अपने को प्रधान सेवक हो और करते काम जो है किसानों को लूटने का हो, किसान मजदूर। अरे, अभी आपके लॉकडाउन के पीरियड में करोड़ों मजदूर मर गया, आपकी ट्रेनें सब खड़ी है अपनी जगह पे। अरे, एक ही दिन में चालू कर देते, आपकी लगभग 20,000 ट्रेनें हैं, पूरे मजदूर अपने अपने घरों पहुंच जाते। तो किसानों मजदूरों के तो आप दुश्मन हो, आप उनको कम करना चाहते हो, पूंजीपतियों के साथ आपका मेल है, तीनों कृषि कानून इसी पर हैं। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये तुलना करना चौधरी चरण सिंह से ठीक नहीं है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, किसान मसीहा इकलौता है पूरे विश्व में, इनकी क्या हैसियत है? अगर आज की डेट में चौधरी साहब होते हमारे बीच में होते, हालांकि उनके विचार तो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन अगर वो आज होते तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या चाहते किसानों के मद्देनजर, उनके हितों के मद्देनजर? पहली बात तो वो ये कृषि कानून पारित नहीं होते, नंबर एक। और नंबर दो, न कारपोरेट खेती होती, केवल किसानों के हित की चीजें होती। मैं समझता हूँ शायद इस लॉकडाउन के पीरियड में इतने जो समस्याएं आई हैं, तो सबसे पहले तो पूरी यूरिया खाद फ्री हो जाती, बीज फ्री हो जाते और पूरे किसानों के बिजली के बिल एक साल के माफ हो जाते। ये सबसे पहला कदम होता चौधरी साहब का किसानों के हित में। चौधरी साहब का कहना था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है और किसानों मजदूरों को चाहिए कि अपनी एक नजर खेत की मेड़ पे रखें तो दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पे रखें। यही जो है सिद्धांत लेकर के चौधरी साहब चले और उन्होंने किसानों की सेवा की और उसी सेवा को चौधरी जी ने आगे बढ़ाया और अब माननीय जयंत चौधरी को वो सेवा करनी पड़े गई, क्योंकि चौधरी साहब का जो है अचानक निधन हो गया, हम सबको छोड़ के चले गए। तो अब जयंत चौधरी जी को उसी मसाल को आगे लेकर के चलना है जो चौधरी चरण सिंह ने जलाई थी और उनके अधूरे कामों को सब बाबा के कामों का पोता पूरा करेगा। आरएलडी क्या वो मुद्दे या फिर उस तेजी के साथ, उस गर्मी के साथ किसानों के मुद्दे उठा पा रही है जो चौधरी चरण सिंह के वक्त में वो उठाया करते थे? क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वो गर्मजोशी या फिर वही पटरी अभी भी बरकरार है जिस पर आपकी ट्रेन चल रही है किसानों के हित में? आप एक चीज देख लीजिए,
योगी आदित्यनाथ ने जो है गाजियाबाद के बॉर्डर पर जो है ये उजाड़ रहे थे किसानों को, उनकी बिजली कटवा दी थी, उनका सबको नुकसान करा दिया था, और तुरंत चौधरी अजीत सिंह ने फोन किया था राकेश टिक्कर जी को कि जो है हम आपके साथ हैं, और पुनः किसान खड़ा हो गया और लाखों की तादाद में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें किसान वापस नहीं जाएगा, इनको बिल वापस लेने पड़ेंगे, और राष्ट्रीय लोकदल पूरी तौर से किसानों की लड़ाई लड़ेगा। आदरणीय जयंत चौधरी इसका ऐलान कर चुके हैं। जो किसान लगातार 6 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अभी तक सरकार से कई दौर की हालांकि बातचीत भी हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, आपको क्या लग रहा है कि कोई समाधान बीच का रास्ता निकलना चाहिए, और अगर निकलेगा तो फिर कौन निकालेगा ये रास्ता, क्योंकि बातचीत तो इतनी बार हो चुकी है सरकार के साथ में। देखिए भाई साहब, ऐसा है इन्होंने जो सीए एनआरसी के टाइम में किया था शाहीन बाग में, लखनऊ के घंटाघर में, और चारों तरफ जो किया था इन्होंने, और उसके बाद कोरोना के नाम पर सबको भगा दिया था, शायद वही ये फार्मूला चलना चाहते थे, लेकिन वो फार्मूला इनका किसानों के ऊपर चल नहीं पाएगा, क्योंकि किसान जो है अपनी खेती बचाने के लिए, अपने जो आने वाली जो अगली पीढ़ियां हैं उनकी जो है रोजी रोटी बचाने के लिए किसान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, और किसानों को ये तीनों कृषि कानून वापस करने पड़ेंगे केंद्र सरकार को, कतई इस पर कोई समझौता नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि इन भर झूठा तो भैया कोई हमने देखा ही नहीं। अरे ये बता दो, आप भी मीडिया से हो, मौलाना साद कहाँ है? 20 टीम में उसकी गिरफ्तारी की बनाई गई थी, आज तक कहाँ है? वो एक अलग मुद्दा है, मौलाना साद क्यों नहीं पकड़ा गया वो एक अलग मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों का जिक्र हो रहा है। आज हम बड़े ही नम आंखों के साथ पुण्यतिथि मना रहे हैं चौधरी चरण सिंह की, तो ऐसे में उनके जो सपने थे उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, उनके जो काम रहे किसानों के लिए उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में अगर वो होते हमारे बीच तो वो आरोप प्रत्यारोप तो कम से कम नहीं कर रहे होते, हमें क्या करना है ये बहुत जरूरी चीज है। जी चौधरी साहब स्पष्ट रूप से निर्णय लेते थे, अगर जो है पटवारियों ने जो है आंदोलन किया था तो पटवारी तुरंत खत्म करके लेखपाल की नियुक्ति कर दी थी। चौधरी साहब निर्णय लेने में बहुत ही सख्त थे, और जो सोच लेते थे कि ये करना है वो करते थे, ये नहीं है इन लोगों की तरह से कि जो है पहले कुछ कर दें और दूसरे दिन वो भाषण बदल के कुछ हो जाए, तीसरे दिन कुछ हो जाए, चौथे दिन मीडिया को दोष देते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो इन भर झूठे लोगों की जरूरत जो है चौधरी चरण सिंह को न कभी रही है, और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में अकेलौते वो किसान मसीहा कहलाए, कोई दूसरा आज तक सख्त नहीं हुआ। सुरेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, ये जो कृषि कानून है चलिए मान लीजिए इसको खत्म कर दिया जाए, सरकार इसको पूरी तरीके से वापस ले ले, लेकिन किसानों के हालात इससे क्या वापस लेने से सुधर जाएंगे? क्या आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि हम एक तरफ कहे जाते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं लेकिन किसानों की हालत ऐसी कि 10,000 सालाना एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है किसान आत्महत्या कर लेता है इस देश के अंदर, तो किस तरह से परिवर्तन कहां पर जरूरी है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब किसानों के साथ लगातार यातना वाले कदम किए जाएंगे, अब जैसे फॉर द टाइमिंग में एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जिस समय नोटबंदी थी उस समय किसानों को बीज के लिए अपने बैंक से लग करके 3,000 रुपए निकालने थे, 3,500 रुपए, लेकिन सारा दिन लाइन में लगने के बाद शाम को ही होता था पैसा खत्म हो गया, और किसान लगे लगे धूप में जो है न मालूम कितने किसान मर गए और उन्हें पैसा नहीं मिला। एक चीज, किसान क्या पूरा देश खड़ा रहा, कितने लोग मर गए इसकी जानकारी तो सरकार के पास अभी भी नहीं है। नहीं, मैं बात क्योंकि किसानों के मुद्दे को इसलिए किसान ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो न मालूम कितनी महिलाएं मर गए, न मालूम कितने लोग मर गए, बच्चे मर गए, बच्चे इलाज के अभाव में न मालूम कितने व्यक्ति मर गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बात अलग है। और नरेंद्र मोदी जी ने इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया 3,500 रुपए के लिए, हद हो गई भाई। अरे 3,500 रुपए क्या थे, आप किसी से कह देते कि भैया ये ले जाओ 3,500 रुपए लग के बैंक से ले आओ, है अपनी माँ को लगा दिया, बूढ़ी माँ, अरे वो जो माँ शब्द के लिए लोग तरसते हैं लेकिन उनकी नजर में कहाँ माँ यार, कहाँ कुछ है। खैर, तो अब एक चीज तो ये होती, दूसरी चीज
किसानों के बिजली की बढ़ोतरी न करते, जो उनके जैसे अनमीटर्ड बिजली के मीटर अनमीटर्ड घर हैं किसानों के, जहां मीटर नहीं लगे हैं, उनको जो है एक फिक्स था महीने में कि 100 रुपए तुमको देना है, उनके रेट बढ़ा दिए। जो खेतों पे ट्यूबवेल लगे हुए थे उनके रेट 5 गुना कर दिए, खाद के जो है बोरी की वजन कम कर दिया, रेट उसके बढ़ा दिए। अब अभी लेटेस्ट जो है एक दिन बड़ा प्रसारित हुआ कि जो है 1200 रुपए की सब्सिडी दे दी किसानों को। अरे भैया 1200 रुपए की बोरी, उसको पहले तुमने 1900 के किया, फिर उसके बाद 2400 के किया, और उसके बाद 1200 सब्सिडी दे दी, तो वो 1200 पूंजीपति जो फैक्ट्री वाला है उसके खाते में, किसान पहले 1200 के ले रहा था फिर भी 1200 के ले रहा है, कौन सा एहसान कर दिया? अरे तुम 1200 रुपए हर किसान के खाते में भेज दो तो मैं समझ लू, आपके पास तो किसानों के खाते हैं, आप डायरेक्ट भेज दीजिए, मैं समझ लू कि आपको आपने सब्सिडी दे दी किसान को। तो झूठ का पुलिंदा बना करके और किसान और मजदूर को के कंधे पे बंदूक चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो सकता है, ये चौधरी चरण सिंह का काम नहीं हो सकता, और ऐसा ही काम चौधरी अजीत सिंह का नहीं रहा, और अब हमारे माननीय जयंत चौधरी का भी ऐसा कोई काम नहीं होगा कि वो किसान हितों और मजदूरों के जो है। लेकिन लेकिन इस स्थिति में जब किसान लगातार आंदोलित हैं, सरकार उनकी बात चीत हुई जरूर है लेकिन कोई हल नहीं निकला है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में क्या आरएलडी रुख अपनाएगी किसानों को लेकर, और क्या बीच का रास्ता निकल पाए इसके लिए प्रयास करेगी? देखिए राकेश टिकैत जी ने जो सम्मिलित किसानों के नेता हैं इस वक्त, तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया यह आंदोलन 2020 तक चलेगा, 2024 स्पष्ट उन्होंने ऐलान कर दिया 2024 तक चलेगा। 24 तक चलने का मतलब यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपकी विदाई करने के साथ ही ये आंदोलन अपने आप समाप्त होगा और आने वाली सरकार किसानों को गले लगा। तो अब ये किसान आंदोलन ना रहकर राजनीतिक आंदोलन हो गया है क्या? नहीं, अब देखिए राजनीति बीजेपी भी करती है, राजनीति हम भी करते हैं, राजनीति कांग्रेस भी करती है, राजनीति समाजवादी भी करती है, सभी पार्टियां राजनीति करने के लिए आई है। लेकिन किसान तो राजनीति नहीं कर रहा है ना, किसान को बीच में मत फंसाइए ना। मेरी बात सुनिए ना जी, जो सरकार का कदम जनहित के विरोध में होगा उसमें चाहे किसान हो, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे उसमें विद्यार्थी हो, चाहे उसमें शिक्षक हो, जहां वहां पर हम लोग आवाज उठाते हैं और अपनी बात दर्ज कराते हैं। सरकार का मानना न मानना सरकार की हठधर्मिता है, और इनका जो इनको इतना प्रचंड बहुमत मिला है वो घमंड बोल रहा है, और ये घमंड, ये भारतवर्ष है, यहाँ रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ है, और रावण का घमंड यहाँ चूर हुआ है, और रावण को भी नीचा देखना पड़ा है। अच्छा, ये है। क्योंकि अगर मैं चौधरी साहब की बात करूं, चरण सिंह की बात करूं, तो वो हिंदी बेल्ट के ज्यादा नेता माने गए और किसानों के हितैषी माने गए, क्या हिंदी बेल्ट इस किसान आंदोलन के साथ में है? क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा से ज्यादा किसान है, उत्तर प्रदेश से उतने नजर नहीं आते, या फिर बिहार इन साइड से कम नजर आते हैं, तो क्या वजह है कि इससे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो पंजाब के किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जोते हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं, बावजूद इसके वो अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिए जाना चाहिए, तो हिंदी बेल्ट उनके साथ क्यों नहीं है? देखिए हिंदी बेल्ट में अधिकांश क्या 90% किसान छोटे छोटे किसान, बहुत छोटे किसान है, वो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए एक ये आंदोलन उन्होंने सरकारी केंद्र खोले, क्रय केंद्र खोले, अगर किसान ये कह देता हम तुमको सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन चूंकि छोटी जोत के किसान है उनको अपना बेच करके जो है साथ में सब्जी भी खरीदना है, बच्चों के कपड़े भी खरीदने हैं, और जो है सारा काम करना है, इसलिए वो रोक नहीं सकते। तो ये इनकी नीतियां भाई साहब, जो हम छोटे छोटे किसान हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जो बड़े किसान हैं हिंदी बेल्ट के इधर वो इन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर के, या वो चंद लोग हैं, मैं समझता हूँ 5% भी नहीं होंगे, शायद 2 या 3% होंगे, तो वो पूंजीपतियों के साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान किया करते हैं, तो इसलिए वो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी भी आवाजें हम लोगों को मिलती हैं कि हाँ
तो ये हम इसी जुड़ाव वजह से होगा ले आए। कैसे? क्योंकि अगर देखिए, अगर कृषि कानूनों से दिक्कत है, तो मान लीजिए कल को कृषि कानून खत्म हो जाते हैं, तो फिर दूसरी व्यवस्था कौन सी लागू की जाए? ऐसा क्या कोई आपके पास प्लान है जो कि किसानों के हित में हो? ये कह देना कि उनके बिजली के बिल माफ कर दीजिए, उनके ये माफ कर दीजिए, उनको सब्सिडी दे दीजिए, ये सब चीजें मैं कहता हूं चलिए ठीक है, वो सब भी हो गया तो क्या किसान खुशहाल हो जाएगा? किसान, मुझे ये लगता है, उनको किसी भी तरह की राहत देने से अच्छा ये है कि उसकी जो फसल है वो सही दाम पर अच्छे से बिक जाए। किसान यही तो चाहता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं कि किसान चाहता भी है कि उसको 6,000 रुपए हो जाए या फिर उसको किसी भी तरह की सब्सिडी मिल जाए। तो किसान ये भी तो कह रहा है कि आप एमएसपी के कानून बना दीजिए, एमएसपी की गारंटी का क्यों नहीं बना रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर लेकिन जो ये जैसे बड़ा कृषि मुश्किल हो मंत्री जाएगा बैठे हुए हैं। सरकार के हाँ लिए, ये सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सारे के सारा जो अनाज है देश में पैदा होता है वो बहुत मात्रा में पैदा होता है, वो पूरा सरकार अगर खरीद लेगी तो रखेगी कहाँ, स्टोर कहाँ करेगी, उसके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। अरे वो तो अपने चहेते जो है अडानी अंबानी के गोदाम बनवा रखे हैं उन्होंने खरीदे। इससे ये सोचना किसान का काम नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज लागू करते हो तो एमएसपी का जो है आप कानून बनाने की गारंटी दीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, किसान के साथ में जो खाद और बीज है उसकी सब्सिडी किसान के खाते में भेजिए। तीसरी चीज, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से लागू कीजिए। देखिए एक चीज, ये बराबर कहते हैं किसानों की आय हम दुगुनी कर रहे हैं। अरे भैया आज तक 6 साल से यही पहाड़ा तुम पढ़ रहे हो, कौन किस किसान की आय दुगनी हो गई? कोई एक किसान तो मेरे सामने ले आओ कि लागत क्या है, और पहले जो 6 साल पहले लागत थी उसकी 3 गुनी लागत है। और लेकिन सुरेन जी, क्या मैं इस बात का अगर जिक्र करूं कि जो बड़े किसान हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है उसका हित कैसे साधा जाएगा, इस पर चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हर मंच पर, क्योंकि बड़ा किसान प्रॉफिट में रहता है इस बात से इनकार नहीं है। नहीं, और ये भी स्पष्ट है कि बड़ा किसान वोट की लाइन में नहीं लगता। हाँ ये हाँ छोटे सही बात किसान है। ही है, ये मजदूर ही है जो सरकार बनाते हैं, सही और बात है। बाद में इन्हीं का गला काटने पे आप खुल जाओ तो अब 5 साल बाद ही उनके हाथ में औजार आएगा जिससे आपका गला काटने का वो काम करेंगे। और 5 साल पहले कोई हथियार उनके पास नहीं है तो वो अपने हाथ कटा करके आपकी सेवा में देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेन जी जुड़ने के लिए। आज चौधरी चरण की पुण्यतिथि है, बहुत बहुत श्रद्धांजलि प्राइम टीवी की तरफ से चौधरी चरण सिंह को। और हमें उम्मीद है कि आरएलडी, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की जो मंशा थी किसानों को लेकर, जो उनके अंदर दर्द था, जो बात जिस तरह से वो रखते थे किसानों की, उसी तरीके से अब आने वाले जो उनके उत्तराधिकारी हैं या फिर आने वाली पीढ़ी है, आरएलडी के जो भी कमान संभालेगा वो उसी तरीके से बात को रखेगा और आगे काम करेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।